बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। यहया बिन सईद से रवायत है कि उन्होंने हज़रत सईद बिन मुसय्यब को यह फरमाते हुए सुना कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो जो रहमान अल्लाह के दोस्त थे, सबसे पहले इंसान हैं जिन्होंने अपनी मूछें कतरवाईं और सबसे पहले इंसान हैं जिन्होंने बढ़ापा यानी सफ़ेद बाल देखा। चनाचे उन्होंने जब सबसे पहले अपने बालों में सफ़ेदी को देखा तो अर्ज़ किया कि मेरे परवरदिगार, ये क्या है? परवरदिगार का जवाब आया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम, ये वकार है यानी ये बढ़ापे की इलामत है जो इल्मो दानिश और इजाफे का बायस है और इज़्ज़तो वकार का ज़रिया है और इसकी वजह से इंसान गुनाहों से बाज रहता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि परवरदिगार, ये तो तेरी बड़ी नेमत है, लिहाजा मेरे वक़ार में इजाफा अता फरमा। ग्रामी कदर दोस्तों, सर के पहले बाल का सफ़ेद हो जाना इंसान के लिए मौत की तरफ बढ़ने और अल्लाह सुबहाना व ताला के सामने पेश होने के वक़्त के करीब हो जाने का सिग्नल होता है। लिहाजा अपनी बाकी माइंदा ज़िंदगी अल्लाह की मर्ज़ी से गुजारें और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करें। मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।